मैं देखिए बहुत बता तो दिया, अभी बता दिया गया स्वयं। आज गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला हुआ है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को बधाई देता हूँ। आराम से ओए ओए ओए। पाठक जी का, पाठक जी का, पाठक जी को देना है। ये वैसा बोल दीजिए, बोलिए 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 ना, आपके सामने लगा है। अरे भाई आराम से, आप लोग भैया आप इधर आ जाइए। जब से पहला एक लाइन का विषय बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। आइए ब्रजेश पाठक जी। और यहाँ पर आपने देखिए आप थे आप भैया इनको फोटो खींच लेंगे। भारत माता की ये गाड़ी है। इधर आ जाओ और यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक के बाद बाहर निकलते हुए जहाँ पर उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है फ्री राशन जो है वो 3 महीने आगे मिलता रहेगा, जो सामग्री उसके साथ मिलती थी वो उपलब्ध कराती जाएगी। इसका लाभ करीब 15 करोड़ जनता को मिलता है और आगे भी अभी ये जारी रहेगा। योगी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। लोगों ने भी मेरी मदद की है, प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश में जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया उसको और मजबूत करेंगे। सीधे 15 करोड़ लोगों को साथ में ये प्रदेश के लोग चाहते थे और हमारी सरकार ने कोई फैसला इसके अलावा किया गया है। अब अब बताइए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को अभी आपके सामने प्रेस के सामने रखा है। ब्रजेश पाठक 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया। कोविड में सबसे बड़ा फैसला ये था जब लोग मजदूर चल रहे थे। देखिए लोगों के साथ खड़े रहना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व। और यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि लोगों के साथ खड़े रहना हमारा प्राथमिक दायित्व है, इसे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो मुफ्त राशन मिलता है वो अभी 3 महीने और मिलेगा, जो समय अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। एक बड़ा फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक हम सब पहुंचाएंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी सर, किस तरीके की? अभी वेट करिए, अभी वेट करिए। और योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पीएम अन्न योजना से 15 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं, लाभार्थियों को इसका लाभ आगे 3 महीने तक मिलता रहेगा और इसकी जानकारी खुद प्रेस ब्रीफिंग कर योगी आदित्यनाथ ने दी। और उन्होंने कहा कि 15 करोड़ लोगों को जून 2022 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। पहला एक लाइन का विषय बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। जो योगी कैबिनेट का अहम फैसला कि 2022 जून तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा, प्रदेश की 15 करोड़ जनता को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। मुफ्त राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी वो मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रेस ब्रीफिंग की और इस बात की जानकारी दी कि प्रदेश की 15 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, जो लाभार्थी हैं उनको ये राशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ